फीफा वर्ल्ड कप में ऑन पैसिव का विज्ञापन दिखाए जाने के बाद ऑन पैसिव पोर्टल पर ट्रैफिक की बाढ़ आने लगी है। लोग गूगल में ऑन पैसिव को सर्च करने लगे हैं। आखिर ये ऑन पैसिव क्या है? 20 नवंबर 2022 को ऑन पैसिव लॉन्च किया गया था, जिसका विज्ञापन भी 20 नवंबर से ही फीफा वर्ल्ड कप में दिखाया जाने लगा था। तो आज के इस वीडियो में ऑन पैसिव के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है, जिसे देखने के बाद आप ऑन पैसिव को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ऑन पैसिव को लेकर आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव अमेरिका की एक आईटी कंपनी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका वर्तमान में कुल 4 कार्यालय हैं, जो यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, दुबई और इंडिया के हैदराबाद में है। ऑन पैसिव AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई तरह के वेब टूल लॉन्च कर चुकी है और कई तरह के वेब टूल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है। ऑन पैसिव को लॉन्च करने से पहले ऑन पैसिव के CEO एस मुफरेश ने इसमें करीब 14 लाख से अधिक लोगों को मात्र $102 की रकम निवेश करने पर फाउंडर के रूप में जोड़ लिया था। यानी ऑन पैसिव में जो लोग शेयर होल्डर बनना चाहते थे, उन्हें $102 की राशि जमा करने के बाद ऑन पैसिव का फाउंडर यानी शेयर होल्डर बना दिया जाता था, जो उस समय भारतीय रुपये में करीब 9,086 रुपये के बराबर था। अभी ऑन पैसिव में करीब 200 देशों से 14 लाख से अधिक फाउंडर जुड़े हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन पैसिव का बिजनेस प्लान कितना बड़ा है। ऑन पैसिव को लॉन्च करने से पहले नए फाउंडर की नियुक्ति बंद कर दिया गया था। यानी यदि अब कोई ऑन पैसिव का फाउंडर बनना चाहे तो वह नहीं बन सकता है, लेकिन यदि कोई ऑन पैसिव से जुड़ना चाहता है और अर्निंग करना चाहता है तो वह इसमें जुड़कर अर्निंग कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ऑन पैसिव का यह बिजनेस प्लान 2018 में ही शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण यह 20 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। अब हम बात करेंगे कि ऑन पैसिव का बिजनेस प्लान क्या है। ऑन पैसिव के CEO एस मुफरेश का सपना है कि जिस तरह से अभी लोग अपने लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हर यूजर हमारे AI टेक्नोलॉजी पर आधारित किसी एक प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आने वाला समय AI टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इस समय यह कंपनी ने अपने कुछ वेब टूल लॉन्च किया है, जिसमें ओमेल, ओनेट और ओट्रिम शामिल है। ऑन पैसिव का अगला प्रोडक्ट ओ कनेक्ट जल्द लॉन्च होने वाला है, जिस पर काम किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव के 14 लाख फाउंडर को क्या मिलेगा। ऑन पैसिव और फाउंडर के बीच किए गए एग्रीमेंट के अनुसार इस कंपनी को जो भी मुनाफा होगा उसका 50% कंपनी खुद रख लेगा और बचा हुआ मुनाफे का 50% सभी फाउंडर के बीच बांट देगा। यानी एक दिन का मुनाफा यदि कंपनी को 50 करोड़ रुपये होता है तो 25 करोड़ रुपये ऑन पैसिव खुद रख लेगा और बचे हुए 25 करोड़ रुपये को सभी फाउंडर के बीच बांट देगा। इस तरह बिना कुछ किए घर बैठे ऑन पैसिव फाउंडर को लंबे समय तक कमीशन मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि ऑन पैसिव से कैसे जुड़ें। यदि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब आप फाउंडर के रूप में नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव में अब नए फाउंडर की नियुक्ति बंद हो गई है। अब आप ऑन पैसिव में रीसेलर या यूजर के रूप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर करके आपको अपना एक नया अकाउंट बनाना होगा। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर करके नया अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, जिस वीडियो पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अकाउंट बनाने के बाद आप ऑन पैसिव यूजर बन जाएंगे, जिसके बाद आप ऑन पैसिव द्वारा लॉन्च किए गए कुछ वेब टूल को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।